एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जियोन को कमरे में कैद किया गया था ऑफिसर मिन्सू ने, और वो रोते हुए कहती है चलो बात करते हैं। और मिन्सू कहता है क्या तुमने अपनी बहन के बारे में सोचा? वो कहती है मुझे उम्मीद है कि जीना मुझे थोड़ा समझ सकती है। वो कहता है जीना ने तुम्हारे बनाए गए नियमों के कारण खुद को अलग कर दिया, वो अपना बचाव करने के लिए झूठ बोलती है। और यहाँ पर दिखता है कि अपने कमरे से ऑफिसर मिन्सू एक दूरबीन की सहायता से जीना के कमरे को देख रहा होता है। वो कहती है कि तुम जीना के बारे में ये क्यों कह रहे हो, तुम कौन हो? फिर वहाँ रखी एक डिवाइस से जीना के घर की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो किसी से बात करते हुए कह रही थी मैं उस तक नहीं पहुँच पाई इसलिए मैंने और लोगों से तुम्हारा नंबर पूछा, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, उन्हें सर्च वारंट नहीं मिला, मैं खुद उसकी तलाश कर रही हूँ। और जियोन जिस रूम में कैद की गई थी वहाँ एक स्पीकर से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी और जीना उस आदमी से फ़ोन पर मदद मांग रही थी अपनी बहन के लिए। ये सुनकर जियोन रोने लगती है। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि जीना का बॉयफ्रेंड डोंग योन ऑफिसर मिन्सू का पीछा कर रहा होता है और वो उसकी बिल्डिंग तक चला जाता है। फिर वो लिफ्ट में देखता है कि ऑफिसर मिन्सू फ्लोर 11 पर उतर गया है, फिर वो भी उसका पीछा करते हुए फ्लोर 11 पर चला जाता है और वहाँ वो एक कमरे का दरवाज़ा खुला देखता है। फिर वो जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करता है तभी मिन्सू उसे अंदर खींच देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर दूसरी तरफ नामयंग वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट लेने के लिए ऑफिस में जाती है, फिर प्रिंटर से उसकी रिपोर्ट आती है। तब नामयंग ये देखकर हैरान होती है क्योंकि उसमें ऑफिसर मिन्सू की फ़ोटो थी और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो फिंगरप्रिंट ऑफिसर मिन्सू के कैसे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव भाई वो अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है मैंने रोज अपार्टमेंट में रहने वाले सभी मालिकों और किरायेदारों के नाम देखे, आप सही थे, पार्क यूंगचुन नाम का कोई आदमी 5 साल पहले वहाँ किरायेदार के रूम में रहता था, बिल्डिंग 118 यूनिट 14 रूम नंबर 1104। फिर फ़ोन काटने के बाद वॉन शॉक ये खबर सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद पुलिस उस बिल्डिंग में जाने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। वहीं नामयंग अपने बॉस के पास जाती है और अपने बॉस से कहती है मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। उसका बॉस कहता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा विभाग भी नहीं है, और ये क्या है? नामयंग कहती है जब मैं जाँच कर रही थी तो मुझे सॉन्ग जियोन के मामले के सबूत मिले, मुझे मिन्सू के उंगलियों के निशान मिले। उसका बॉस ये सुनकर हैरान होता है और वो उस रिपोर्ट को देखता है और फिर उसे फाड़ देता है। नामयंग देखकर हैरान होती है और उसका बॉस कहता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर तुम अपना ध्यान दो, सॉन्ग जियोन केस तुम्हारा काम नहीं है। नामयंग पूछती है क्या आपको पहले से पता था? उसका बॉस कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो मेरे पसंदीदा आदमी पर एक रिपोर्ट लिखने और खुद उसे जेल भेजने के लिए? मिन्सू वो है जिसने मेरी माँ की मदद की, वॉन जोक इस केस का लीडर है तो उसे ये काम करने दो, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मिन्सू वो आदमी नहीं है। अब तुमको सबूत मिल गए हैं तो तुम उसके पास जाओ और उससे जाकर पूछो, मैं ये नहीं कर सकता। नामयंग बॉस से कहती है ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, मैं पहले जाकर उससे पूछूंगी, मुझे यकीन है कि वो आदमी नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। और वही कागज अपने बॉस को पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिन्सू ने डोंग योन को कैद किया हुआ था और उसके हाथों में जंजीर बांधी गई थी। डोंग योन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा, क्या तुम वो हो जो जीने के साथ रहते हो? चलो बात करते हैं, वो झूठी है लेकिन वो नहीं है जो तुमको लगता है कि वो है। मिन्सू कहता है वो डरी हुई है। डोंग योन कहता है वो बुरी है, उसने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, तुम शायद उसकी सुंदरता को देखकर पिघल गए लेकिन वो इसके लायक नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मिन्सू कहता है क्या तुम जानते हो सिंसियरिटी क्या है? तुम जैसा आदमी एक बेकार है, तुम जैसे लोगों की वजह से उसके पास इस तरह के काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तुम पाखंडी हो। डोंगयोन कहता है क्या मैं पाखंडी हूँ? मिन्सू कहता है जब तुमको पता चला कि उसके डैड हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और जीना को चुन लिया। डोंगयोन कहता है तुम्हें कैसे पता है? मिन्सू कहता है तुम नहीं जानते कि प्यार क्या है, उसके पास जो कुछ था उसके लिए तुम्हारा प्यार बदल गया। डोंगयोन कहता है मैं जीना को सचमुच प्यार करता था, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स थी लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सब झूठ था, फिर भी मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। फिर मिन्सू उसके पास गुस्से से जाता है और डोंगयोन डर जाता है और डोंगयोन कहता है मैं जीना के साथ ब्रेकअप कर लूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगा, मैं जीना से दूर रहूँगा। तभी मिन्सू को बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो बाहर जाकर देखता है कि पुलिस की गाड़ी वहाँ आ गई है और मिन्सू घबरा जाता है। तभी डोंगयोन मिन्सू के सर पर एक गमला फोड़ता है
फिर मिनसू उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वही देखते हैं कि वॉन श्योक अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में आ चुका था और वो अपनी टीम से हर एक दरवाज़ा हर एक रूम चेक करने के लिए कहता है। वही मिनसू बाहर भागने के लिए चेहरे पर मुकुट लगा देता है और वो पुलिस वालों को पीटने लगता है। वहीं दिखता है कि वॉन श्योक अपने डिटेक्टिव के साथ उस रूम में चला जाता है जहाँ मिनसू रहा करता था और डिटेक्टिव भाई शटर खोल के अंदर जाता है तब वो वहाँ डोंगयोन को घायल पड़ा हुआ देखता है। डोंगयोन कहता है मैं अपराधी नहीं हूँ, वो आदमी भाग गया, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, वो आदमी जीना का बॉयफ्रेंड है, आपको जाकर उसे पकड़ने की ज़रूरत है। फिर वॉन श्योक जब सीढ़ियों पर जाता है तो वो वहाँ अपने कुछ सिपाही को घायल पड़ा हुआ देखता है। फिर वो डिटेक्टिव भाई से उस किलर का पीछा करने के लिए कहता है। वहीं वॉन श्योक उस रूम में जाकर देखता है कि मिनसू ने वहाँ एक दूरबीन रखी हुई थी जिससे वो जीना के घर में नज़र रख सके। वहीं दिखता है कि ऑफिसर मिनसू वो जंगल की तरफ चला गया था। डिटेक्टिव भाई बताता है कि वो भाग चुका है। वहीं दूसरी तरफ नामयंग उस सीसीटीवी कैमरे पर ऑफिसर मिनसू को देखती है जो अपना मुकोटा एक जगह संभाल रहा होता है। फिर वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉन श्योक जीना के घर पर जाता है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सी डिवाइस लगाई हुई थी ताकि मिनसू जीना की आवाज़ सुन सके। वहीं दूसरी तरफ जीना जहाँ काम करती थी ली यून जी के केस की जज वहाँ जीना का इंतजार कर रही थी क्योंकि जीना की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट थी। तभी जीना वहाँ आती है और वो जज से कहती है मैंने सोचा कि मुझे आपको पर्सनली ये बताना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। फिर वो वहाँ बैठती है और जीना कहती है मैं वो हूँ जो झूठ के लिए जाने जाती हूँ लेकिन आज मैं केवल सच बताऊँगी, मुझे लगा कि आज कोई मेरी बात नहीं मानेगा इसलिए मैंने इस क्लिप को खोजने में पूरी रात बिताई। और जीना वहाँ मौजूद जज को अपने फ़ोन में उस क्लिप को दिखाती है जिसमें मैनेजर माँ यूनजी को गलत तरीके से छो रहा था और डिपार्टमेंट हेड यंग ये देखकर हैरान होता है। और जीना कहती है मिस्टर यंग ने कहा कि अगर मैं मिस्टर माँ का पक्ष लेती हूँ तो वो मुझे फुफेद भेज देंगे लेकिन वो यूनजी है जिसने मुझ पर भरोसा किया। फिर जीना वहाँ टेबल पर रेजिग्नेशन लेटर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नामयंग ऑफिसर मिनसू के घर पर जाती है और वो देखती है कि मिनसू कुछ अलमारी में ढूंढ रहा होता है और वो कहती है मिनसू अपने आप को अंदर कर लो। फिर मिनसू उसे देखता है तभी नामयंग अपनी बंदूक निकाल देती है और वो कहती है ये गन खाली नहीं है, ये भरी हुई है। वो कहती है मैं आखिरी बार मौका दे रही हूँ, अगर तुमने अपने आप को अंदर नहीं किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डोंगयोन और वॉन श्योक वो स्क्रीन पर ऑफिसर मिनसू की फ़ोटो देखती है। डोंगयोन कहता है कि वही आदमी है जो जीना का बॉयफ्रेंड है और जिसने मुझे कैद किया। फिर वॉन श्योक ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपनी टीम को ऑफिसर मिनसू को पकड़ने के लिए भेजता है। और दूसरी तरफ नामयंग ऑफिसर मिनसू से कहती है कि कुछ कहो। ऑफिसर मिनसू कहता है नामयंग मुझे थोड़ा वक्त दो, कोई है जिससे मुझे मिलना है। नामयंग कहती है आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, आप उससे स्टेशन में मिल सकते हैं, मैं आपको उससे मिलने दूंगी। मिनसू कहता है क्या तुम ये सब मेरे लिए ख़त्म कर दोगी। नामयंग रोने लगती है, वो कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस तरह से देखे। वो कहती है आप क्या पागल हो गए, हमारे बॉस को ये सब पता है, क्या सिर्फ जीना आपके लिए है, हमारी टीम का क्या। तभी वहाँ पुलिस आती है और नामयंग जैसे मिनसू पर बंदूक रखती है तभी मिनसू नामयंग को धक्का दे देता है और वो घर से बाहर जाता है। फिर वो पुलिस को पीटता है और भागने की कोशिश करता है। तभी सड़क पर वॉन श्योक अपनी गाड़ी से मिनसू को टक्कर मारता है। फिर मिनसू रोड पर गिरता है। तभी वो डिटेक्टिव भाई पर बंदूक तान देता है। फिर मिनसू वहाँ से नीचे भाग जाता है जंगल की तरफ और पुलिस उसका पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ नामयंग जीना को सियोल लाने के लिए कहती है फ़ोन पर और नामयंग कहती है तुम सिर्फ वो जो मिनसू को मना सकती हो और वो मिनसू के बारे में सब कुछ जीना को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर मिनसू मिस्टर फाइव के पास जाता है और वो मिस्टर फाइव से एक ऐसा मोबाइल मांगता है जिसे ट्रैक न किया जा सके। फिर मिस्टर फाइव उसे वो मोबाइल दे देता है और ऑफिसर मिनसू मिस्टर फाइव की गाड़ी की चाबी चुरा देता है और वो मिस्टर फाइव से कहता है पुलिस यहाँ आ सकती है, मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें सब कुछ मिटा दो, मैं कुछ समय के लिए तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर मिनसू मिस्टर फाइव की गाड़ी चुरा कर वहाँ से ले जाता है। वह दूसरी तरफ वो गुमनाम लड़की वो सुखजा को फ़ोन करती है और वो सुखजा को बताती है कि मिनसू ने वो फ़ोन ले लिया है और वहीं दिखता है कि मिस्टर फाइव मिनसू की गाड़ी को ट्रैक कर रहा था क्योंकि उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वह दूसरी तरफ नामयंग जीना को उस कमरे में ले आती है जहाँ उसकी बहन को मिनसू ने किडनैप किया हुआ था। फिर जीना वहाँ वो दूरबीन देखती है जिससे मिनसू जीना के घर पर नज़र रखता था और वहाँ रखे हेडफोन पर अपने बहन के रोने की आवाज़ सुनती है। फिर वो उस कमरे में अपनी फ़ोटो लगी हुई देखती है और ये देखकर वो हैरान होती है। वह दूसरी तरफ दिखता है कि मिनसू बहुत पछता रहा होता है और वो रोने लगता है। वहीं जीना भी रो रही होती है। फिर अगले दिन जीना हॉस्पिटल में जाती है और अपने डैड को बताती है
कि ऑफिसर मिंसू ने ही हमारी बहन को मारा है। और इसे सुनकर उसके डैड बहुत हैरान होते हैं और उसका भाई भी। और जिंदा बताती है कि ऑफिसर मिंसू फरार हो चुका है और वो अपने डैड से एक सवाल पूछती है और कहती है, क्या आपने मुझ पर शक किया था? उसके डैड कुछ नहीं कहते। फिर जीना वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जीना बाहर बैठी हुई होती है तब मिंसू आकर जीना को बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर देता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।